सफर नहीं ये है इंतहा, लिखी जा रही है ये दास्तां। आया हूँ तेरा बन के सवाली, जाऊँ ना तेरे दर से मखाली, हम सब के अरे नाइला ये क्या कर रही है बेटा? देख मेरी बात सुन बेटा, एक बार फिर सोच ले, ये मर्दों के काम है। मर्दों को अपनी जिम्मेदारी का एहसास हो तब ना, और ये छोटी मोटी मुश्किलें मेरा हौसला कम नहीं कर सकती। आप बस मेरे लिए दुआ करें। अरे मैं साफ करवा देती तेरे साथ, कर लूंगी। बेटा दुआ तो तुम दोनों के लिए मैं दिन रात करती रहती हूँ, बस अल्लाह करे मेरे जावेद को कोई अच्छी सी नौकरी मिल जाए ना, फिर कोई अच्छा सा रिश्ता देकर फौरन तुम्हारी शादी कर दूंगी मैं। वो तो अल्लाह का शुक्र है तुम्हारे अब्बा की पेंशन से गुजारा हो रहा है, और ये घर बना कर दे गए बेचारे। वरना अपनी खाला का हशर देखा है, कैसे किराए के घरों में रुलती फिर रही है। अम्मी भाई को एहसास तो हो, और जितनी तेजी से इस घर के हालात खराब हो रहे हैं ना, मेरा घर से निकलना बहुत जरूरी है। अरे वो तो ठीक है, मगर मेरी बात सुन, अगर जावेद को पता चल गया तो नाराज नहीं हो जाएगा? कुछ भी नहीं होगा, बस खामखा उनकी ईगो हर्ट होगी और कुछ भी नहीं होगा उन्हें। अम्मी। हाँ। अम्मी चाय दे दें। हाँ ला रही हूँ मैं, तुम मुँह हाथ तो धो लो। नहीं अम्मी बस चाय दे दें, मेरा थोड़ा सोने का प्लान है, और वैसे भी मैंने 3 बजे कहीं जाना है। क्या कोई इंटरव्यू है क्या? अल्लाह का लाख लाख शुक्र है, बस बेटा कोई अच्छी सी नौकरी ढूंढ लो बस। अम्मी आप सुबह सुबह फिर शुरू हो गई। सुबह सुबह नहीं है भाई, दोपहर के 11 बज रहे हैं, और फिर सोने का तो कोई वक्त भी नहीं होता। मैं तो कहती हूँ फिर सो जाएं। अम्मी आप इसको देख रही हैं? अच्छा अच्छा बस जाओ, लेकर आती हूँ मैं चाय, चल जा। पापे भी ले आइएगा। थैंक यू। अबे लग गए यार। किधर जा रही हो? बाइक पे छोड़ा हूँ। वो भाईजान देखे? भाईजान? भाईजान? शुक्र है आ गया। आ जाओ आ जाओ, आज फिर इतनी देर लगा दी तुमने। वो दोस्तों के साथ था। ये बताइए वेस्पा किधर है? वो तुम्हारे कादर मामू है ना, वो लेके थे, उन्होंने बेच दी। बेच दी? अब्बा की आखिरी निशानी उन्होंने बेच दी? अब्बा की आखिरी निशानी मैं और आप हैं। खाने के लाले पड़े हुए थे, और ये रोटी ना ये मुफ्त में नहीं आती। क्या बातें कर रही है ये? अरे बस कर दो ना बेटा, बात दरअसल ये है कि वो तुम्हारे कादर मामू है ना, वो ले गए, और उसके बदले में ना नई मोटरसाइकिल ले आएंगे, और ऊपर जो पैसे बनेंगे ना वो अपनी जेब से डाल देंगे। अब बताइए ना आपने असल बात,
वैसे भी मेरी गाड़ी पुरानी हो गई थी, अब वो मेरे इस्तेमाल में आ जाएगी। क्यों, आपकी नौकरी लग गई है, कहीं जाना है आपको? जाहिर है, मैं नहीं चलाऊंगा तो क्या आप चलाएंगी मोटरसाइकिल? क्यों, मेरे चलाने में क्या मसला है? चलाती है लड़कियां मोटरसाइकिल? तो मोटरसाइकिल चलाओगी? क्या हो गया, क्यों फजूल की बहस कर रहे हो? आराम से खाना खाओ, गाँव में भी बसाने और लुटेरे पहले से आ गए। चाहिए बताएं अम्मा, कितने की बिकी होगी? मुझे क्या पता, वो तो वही बताएंगे ना, मुझे क्या पता। सही बात है, हम खाओ गुटलियां, किसको पता। अरे ये नायला, ये तो बहुत खूबसूरत है, है? अच्छी है ना? हाँ, और महंगी भी बहुत लग रही है, किस्ते कहाँ से दोगी? अरे आप फिक्र ही ना करें, मैंने सब कुछ प्लानिंग के साथ किया है, मेरी जॉब लग गई है कॉल सेंटर में। सच्ची? हाँ। शुक्र अल्लाह का, मेरी बच्ची, अल्लाह पाक तुझे बहुत सारी खुशियां दे मेरी बच्ची। आमीन। काश काश जावेद किसी काबिल होता ना, तो आज तुम्हारी शादी कर देती, नौकरी थोड़ी करवाती तुमसे। वो भाई हैं, आज नहीं तो कल उन्हें एहसास हो ही जाएगा, मगर तब तक हम भूखे तो नहीं रह सकते ना, ना भीख मांग सकते। और हम सफेद पोश लोगों का अलमिया यही है कि हमारी खुददारी और इज्जत का भरम रखना ही हमारी सबसे बड़ी जंग होती है। सही कह रही हो बेटा। आप बताएं, क्या हम इमदादी दस्तखान पर बैठकर खाना खा सकते हैं? नहीं ना, हमें तो इतनी फिक्र रहती कि किसी को पता ना चल जाए कि हमने कर्जा लिया हुआ है या हमने ईद पर कपड़े नहीं बनाए। हम तो मोहल्ले के परचून वाले के पास भी राशन लेने तब जाते हैं जब उसकी दुकान पर कोई ना हो, कि वो कहीं किसी के सामने हमसे हिसाब ना मांग ले, हमें सबके सामने मना ना कर दे कि पहले पिछला हिसाब चुकाओ वरना अगली दुकान का रास्ता नापो। हाँ भाई, तो किधर जा रही हो? मैं छोड़ दूँ? यार मैं छोड़ देता हूँ आगे, उस ख्याल से खड़ा है आगे। ओए यार, ओए आ जाओ, मैं छोड़ देता हूँ आगे, तो गिर जाओगी। ओए ओ इधर हूँ, किधर जा रहे हो? हाँ भाई, तो क्या हुआ हैं? ओए अभी एक कंचे पीस के पीछे लगा हुआ, निकल जाएगा हाथ से। ओए हाँ हाँ, पहुंच जा, जल्दी कर, आजा। ऐसा भी क्या शर्माना, ये सब तो चलता रहता है। छोड़ो मेरा हाथ, तुम्हारे घर में माँ बहने नहीं है? हाँ तो घर पे है ना मेरी जान, तुम्हारी इतना सड़क पर ये स्कूटी पर गुलछर्रे तो नहीं उड़ा रही। ये तो तुझे ही देख रही है, लगता है तू ज्यादा ही पसंद आ गया। हाँ तो तेरा भाई लग भी तो टाइट रहा है, जरा चेहरा तो दिखा दो। कैसा लगा चेहरा? पसंद है मुझे? क्यों नहीं पसंद होगा, भाई है मेरा। सफर नहीं ये है इम्तिहा, लिखी जा रही है ये दास्तां। ये सफर नहीं ये है इम्तिहा, लिखी जा रही है ये दास्तां। आ झुकाऊं अब उस दर पे जिस दर का ना है कोई बयां।
भटक गया था अब दे दे पना। Fly across the world with Sahulat, where all your spending gives gold savings. Book tickets, visa or accommodation through Sahulat Travels and get Save Gold 80% on spending. Don't wait. Book now and start saving gold rewards. ARY sahulatbazaar.pk 021-111-00162 Powered by ARY Sahulat Wallet.